तो जो भास्कर सीरीज थी और रोहिणी सीरीज को ख़त्म करने के बाद मतलब कि इन सेटेलाइट्स का ये प्रमोशन या लॉन्च हो जाने के बाद, भारत ने अब तक कोई ऐसा सेटेलाइट जो कि एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट हो, इसका अब तक की भारत ने प्रयोग नहीं किया था और अब तक निर्माण यहाँ पे भारत में नहीं हुआ था। अभी तक हमने जो भास्कर देखा, आर्यभट्ट देखा और रोहिणी सीरीज में कई सेटेलाइट्स को देखा, वे सारे सेटेलाइट्स मैंने बताया कि वो पोलर सेटेलाइट्स थे और उन्हें PSLV के माध्यम से उनके ऑर्बिट पे पहुंचाया जाता था। और PSLV जो रॉकेट्स होते हैं वे 1000 किलोमीटर तक ही इनका जो है रेंज होता है, 1000 किलोमीटर से ये ऊपर नहीं जाते हैं। और PSLV जो सेटेलाइट्स होते हैं वे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर पृथ्वी पर रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इतने चीज़ों को हमने समझ लिया था। तो ये जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं जिसे हम GSLV के माध्यम से लॉन्च करते हैं, वो 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उन्हें प्रतिस्थापित करना होता है। और इस तरह के सेटेलाइट्स जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स। ठीक है, इसके पहले जो हमने सेटेलाइट्स देखा वे क्या थे? रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स थे। उनका प्रयोग हम लोग वेदर फोरकास्टिंग के लिए, सी का लेवल देखने के लिए, कोई ट्रैफिक है या नहीं उसका पता करने के लिए, जो फॉरेस्ट्री कितना फॉरेस्ट कहाँ पे कितना पार्ट है वो देखने के लिए, ये सब छोटे चीज़ों के लिए, मतलब छोटा चीज़ नहीं हम कह सकते हैं कि वैसे चीज़ों के लिए, मतलब देखिए जो पोलर सेटेलाइट्स होते हैं ना वो क्लोज़र व्यू जिनका हमें लेना होता है, जैसे कि किस एरिया में फॉरेस्ट है या नहीं है उसका हमें क्या होगा, क्लोज़र व्यू चाहिए। अगर 36,000 किलोमीटर पे हम किसी सेटेलाइट्स को अगर भेज देंगे तो हम पृथ्वी पे ये नहीं देख पाएंगे कि कहाँ पे जो सी लेवल है कहाँ पे राइज हो रहा है कहाँ पे डाउन हो रहा है, क्योंकि 36,000 किलोमीटर इज़ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो इतना लंबा डिस्टेंस होने की वजह से हमें उनका क्लियर व्यू नहीं मिलेगा, और क्लियर व्यू नहीं मिलेगा तो हम ऑब्वियसली हम उनके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीज़न जो पोलर सेटेलाइट्स होते हैं उनको 600-1000 किलोमीटर के दायरे में, इस रेंज में रखा जाता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होते हैं अगर इनको करीब हम अगर रखेंगे, मतलब अगर 1000 किलोमीटर के नीचे अगर रखेंगे, तो इनके द्वारा जो जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, कंजस्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सिग्नल्स मिलने में क्या होगी, परेशानी होगी। तो ये इस तरह के जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं जितने ऊंचे होंगे, है ना, जितने ऊंचे होंगे वे उतने ही क्लैरिटी से और उतने ही इफ़िशियंसी से सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हैं उनको उनको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होना है, उनको काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होना बहुत ही बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो इस तरह के कम्युनिकेशन सेटेलाइट में जो सबसे पहला जो सेटेलाइट था भारत के द्वारा जो बनाया गया जो सेटेलाइट था उसका नाम था एप्पल। ठीक है, ये एप्पल उसका नाम था, ये फ़ोन वाला एप्पल नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है एरियन पेलोड। एक मिनट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा एप्पल का। ये एक भारत के द्वारा स्वदेशी सैटेलाइट था। अभी ये नाम से पता चलता है कि ये स्वदेशी सैटेलाइट नहीं होगा, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है ये एक इंडिजीनियस सैटेलाइट था। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, मतलब अपने देश के द्वारा विकसित किया गया सैटेलाइट था। और इसका फुल फॉर्म था एरियन
पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सेटेलाइट थी ये एक पोलर सेटेलाइट नहीं थी, ये कैसा सेटेलाइट थी, ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट थी। अगर आपको जियो स्टेशनरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो इसके पहले वाले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट किसे कहते हैं, पोलर सेटेलाइट किसे कहते हैं। तो ये एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट थी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या होती है। देखिए, जब कोई सेटेलाइट, अगर सपोज ये अर्थ है, तो जब कोई सेटेलाइट अर्थ के इक्वेटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर रूप से उसका रिवोल्यूशन करता है, तो उसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। अगर ये इक्वेटर है, तो यहाँ से अगर ये कोई सेटेलाइट आगे ऐसे अगर रिवोल्यूट करेगी, तो इसे हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट कहेंगे। और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा पृथ्वी पर एक ही जगह पे प्रतीत होती, क्योंकि पृथ्वी के साथ साथ क्या होती, इसका भी जो रिवोल्यूशन पीरियड है 24 आवर्स भी होता है, और पृथ्वी का भी जो रोटेशन पीरियड है वो भी 24 आवर्स का होता है। तो दोनों जब एक साथ घूमते हैं तो एक जगह स्थिर प्रतीत होते हैं, अपीयर हमें लगते हैं कि क्या है, कि एक ही जगह है। क्योंकि देखिए, अगर साथ साथ, अगर सपोज ये मान लेते हैं, अगर ये सेटेलाइट है और इसके साथ अगर हम पृथ्वी बेस से घूम रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमें क्या दिखेगा, स्थिर दिखेगा, लेकिन वास्तव में क्या है कि दोनों मूविंग कंडीशन में है। चूंकि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों एक ही समय में एक चक्कर मार रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि क्या है, एक जगह है, इसलिए इसे स्टेशनरी बोलते हैं, जियो स्टेशनरी, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, और ये एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट था, और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का प्रयोग कम्युनिकेशन सेटेलाइट के रूप में किया जाता है। तो ये कैसा सेटेलाइट था, एक कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट था। शायद आपको याद होगा 1958 में यूएसए के द्वारा एक सेटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्कोर। वो स्कोर जो सेटेलाइट थी, वो भी जो है एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट थी, और उसकी खासियत ये थी कि वो विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट थी। लेकिन वो कमर्शियल नहीं थी, वो क्या, कैसा सेटेलाइट थी, एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट थी। और एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट जो होता है, वो साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेटेलाइट्स, अगर कोई कंट्री अगर कम्युनिकेशन सेटेलाइट लॉन्च करती है, तो सबसे पहले उस पर उसका एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट लॉन्च करने के बाद ही, उसका टेस्टिंग करने के बाद ही हम उसका कमर्शियल सेटेलाइट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो यूएसए ने जब स्कोर सेटेलाइट को लॉन्च किया था, तो उसके बाद उसने एक और जो है एक कमर्शियल सेटेलाइट को लॉन्च किया था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आप पीछे वीडियो में आप देखेंगे तो वो सेटेलाइट आपको मिल जाएगा कि यूएसए ने जो सेकेंड जो कमर्शियल सेटेलाइट था, वो उसका नाम क्या था जो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भारत के द्वारा जो है सबसे पहला कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है लॉन्च किया जाता है। और इस सेटेलाइट्स की खासियत थी कि ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट थी, क्योंकि फर्स्ट सेटेलाइट है तो एक्सपेरिमेंटल ही होगी। एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट थी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद ये तो हमने जान लिया कि ये कैसा सेटेलाइट था, तो ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट था। और जब कम्युनिकेशन सेटेलाइट होगा, तो इसे किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेंगे, तो इसे लॉन्च करने के लिए हमें जीएसएलवी चाहिए। क्या चाहिए? जीएसएलवी। लेकिन क्या हमारे पास जीएसएलवी है? नहीं है, हमारे पास जीएसएलवी नहीं है, क्योंकि अभी हम SLV-3 में ही हैं। इसके पहले हमने देखा सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से हमने रोहिणी के स्रॉस सीरीज को क्या किया था, लॉन्च किया था।
तो अभी तक हमारे पास सॉरी रोनी सीरीज को लॉन्च किया था, अभी तक हमारे पास SLV ही विकसित हुआ है। तो इसके लिए, इस सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत ने फ्रेंच गुयाना को क्या किया, एज ए हेल्प उसकी मदद ली फ्रेंच गुयाना के कोरू नामक स्थान से। याद रखिएगा जो एप्पल जो सेटेलाइट था फ्रेंच गुयाना के कोरू नामक स्थान से उसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं फ्रेंच गुयाना के कोरू नामक प्लेस से इसे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। किसे? एप्पल सेटेलाइट को। ठीक है, समझ गए। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो चूंकि ये GSLV है और GSLV से इसे भेजा गया है, ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है, तो आप बता सकते हैं कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स जो होते हैं वो 36,000 के डिस्टेंस पे प्रतिस्थापित किए जाते हैं। मैंने रीज़न आपको बता दिया कि 36,000 पे ही क्यों किए जाते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया 36,000। अगर इसे आप एग्जैक्ट किलोमीटर्स के रूप में अगर याद करना चाहते हैं तो 35,886 किलोमीटर, 35,886 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स 36,000 आपका क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपका क्या है, 35,886 किलोमीटर। ठीक है, ये आप समझ गए। अब दूसरी बात ये कि इस सेटेलाइट को मैंने भूल गया बताना, इस सेटेलाइट को लॉन्च कब किया गया, इस सेटेलाइट को 1981 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 1981 में, और 1980 में तो मैंने बताया कि SLV-3 का भी विकास हुआ था, तो संभव था ही नहीं कि इस GSLV सेटेलाइट को, ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट को हम 36,000 की ऊंचाई पर हम अपने SLV से भेज सके। तो इसीलिए हमने फ्रेंच गुयाना के कोरू नामक स्थान से, वहाँ से हमने लॉन्च किया। फ्रेंच गुयाना की अगर बात करते हैं तो फ्रेंच गुयाना जो है, फ्रेंच जो फ्रांस है, फ्रांस का ही एक टेरिटरी है, और इसका अगर फिजिकल लोकेशन की अगर बात की जाए तो आपने फिजिकल लोकेशन में साउथ अमेरिका के जो ब्राज़ील एरिया आप देख रहे होंगे, तो ब्राज़ील एरिया के ऊपर में, ठीक है ना, कैरेबियन सी से थोड़ा नीचे, ये वहाँ पे अवस्थित आपको मिलेगा, आप मैप में इसे ढूंढ सकते हैं इजीली। ठीक है, अब समझिए, जब ये एप्पल ने कम्युनिकेशन, एप्पल एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो कि एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट थी, जब ये लॉन्च हो जाता है तो इस सेटेलाइट के बाद इससे प्रेरणा लेकर के, इससे क्या लेकर के, प्रेरणा लेकर के, इससे इंकरेज होकर के जो है भारत ने इनसेट सीरीज को शुरू किया, जो कि VVI सीरीज थी। मतलब कि ये जो जो सेटेलाइट की जो सीरीज थी, इनसेट सीरीज, इसकी मदद से हमने आज जो भारत का जो आप संपूर्ण विकास देख रहे हैं ये होना संभव नहीं था। ठीक है, तो इनसेट सीरीज ऑब्वियसली क्या होगी, ये भी एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट थी, और इनसेट का अगर फुल फॉर्म अगर देखा जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, देखिए यहाँ पे इनसेट जो है आप देख सकते हैं, इनसेट का मतलब होता है, इन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, और सेटेलाइट का मतलब होता है सेटेलाइट। ठीक है, तो इनसेट सेटेलाइट कोई स्पेशल सेटेलाइट नहीं थी, ये भी एक कम्युनिकेशन सेटेलाइट थी लाइक एप्पल, लेकिन डिफरेंस बस इतना था कि जो एप्पल थी, जो सेटेलाइट एप्पल थी, वो एप्पल जो है आपका एक्सपेरिमेंटल सेटेलाइट था, लेकिन जो इनसेट जो सीरीज़ है, जो इनसेट सीरीज़ हम अभी हम देखेंगे, वो एक कमर्शियल सेटेलाइट है। इसका उपयोग भारत ने जनरल पब्लिक के लिए किया।
ठीक है, इस पे इसका उपयोग हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और इसके बिना हम जो है अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इन चीज़ों को हम अभी नहीं देख पाते। हम भी समझेंगे कि क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले इनसाइट सीरीज़ का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इन्फो सेटेलाइट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेटेलाइट। चलिए, ये जो इनसेट जो सीरीज़ थी, इनसेट सीरीज़ में जो इनसेट सेटेलाइट थे, ये एक मल्टीपर्पज़ सेटेलाइट था। मल्टीपर्पज़ का मतलब होता है कई पर्पज़ के लिए यूज किया जाना, एक पर्पज़ के लिए नहीं बल्कि कई पर्पज़ के लिए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, डीटीएच, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी सेटेलाइट हैं वो सब इसके कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनसेट सीरीज़ में हमने ये देखा है मल्टीपल सेटेलाइट है, अंतरिक्ष विभाग में जो दूर संचार होता है, भारत ये मौसम विभाग हो गया, आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन हो गया, है ना, इन सारी चीज़ों को हम इस सेटेलाइट के माध्यम से क्या करते हैं, समझते हैं, मतलब सॉरी इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस सेटेलाइट के माध्यम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दूरदर्शन, आकाशवाणी, रेडियो, है ना, और भी कई सारे टेलीकम्युनिकेशन, आप कोई भी ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब समझिए, इस इनसेट सीरीज में टोटल इनसेट सीरीज के टोटल चार सीरीज जो है लॉन्च किए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 सीरीज लॉन्च किए जाते हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, इसमें 1A, 1B, 1C, 1D, इसमें भी 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D और 4A, 4B, 4C, 4CR। अभी हम इस मुकाम पे हम भी पहुंच गए हैं। तो ये सारे जो सेटेलाइट्स हैं ये सारे लॉन्च किए जा चुके हैं और सब जो है अपडेटेड वर्जन है। जैसे सीरीज़ वन में ए से अपडेटेड बी होगा, बी से अपडेटेड सी होगा, सी से डी होगा, उसी तरह से टू में भी ऐसे है, थ्री में है। अभी हम 4CR सीरीज़ के मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। इसका भी प्रक्षेपण लगभग जो है हो चुका है, आई थिंक सो, ठीक है। तो ये थी कुछ इंडियन सेटेलाइट्स। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम सेटेलाइट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।